सूरज की सतह पर हो रहे लगातार विस्फोट से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि सूर्य में इन दिनों लगातार जबरदस्त विस्फोट हो रहे हैं, जिस कारण भूचुंबकीय और तूफानों का पृथ्वी के ध्रुवों से टकराना जारी है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के पूर्व निदेशक और सौर वैज्ञानिक के डॉक्टर वहाब उद्दीन के अनुसार सूर्य की सतह पर विशाल सनस्पॉट समूह NOAA 3615 बना हुआ है, जिससे छोटे बड़े कई विस्फोट हो चुके हैं और इनसे जबरदस्त सौर ज्वालाएं उत्पन्न हो रही हैं। बताया जा रहा है कि M9.4 30 मार्च को और दूसरा सूर्य दक्षिण पूर्वी हिस्से में 31 मार्च को 2:48 बजे विस्फोट हुआ है और अगले कुछ दिन सूर्य पर विस्फोटों का दौर जारी रहेगा। वहीं इन विस्फोटों पर दुनिया भर के सभी सौर वैज्ञानिकों की नजरें बनी हुई हैं। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। सूर्य इन दिनों बेहद सक्रिय हो चला है। सूर्य की सतह पर लगातार विस्फोट हो रहे हैं। आए दिन विस्फोटों से जो हाई चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं और कई तरह की बड़ी बड़ी ज्वालाएं निकल रही हैं, जिनका असर पृथ्वी की सतह के ध्रुवों तक देखने को मिल रहा है इन सतहों से, जिस कारण जो है दुनिया भर के वैज्ञानिक इन दिनों सूर्य पर नज़र रखे हुए हैं और सूर्य से उठने वाले सौर तूफानों को पे नज़र रखे हुए हैं। इन सौर तूफानों का हमारे सैटेलाइट, हवाई सेवाएँ, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर प्रभाव पड़ता है, जिस कारण वैज्ञानिक लगातार इन पर नज़र रखते हैं। आने वाले दिनों में भी सूर्य सक्रिय रहेगा। दरअसल इन दिनों सूर्य लगातार सक्रिय है और लगातार अपने विस्फोट कर रहा है और ये मैक्सिमा का दौर चल रहा है। मैक्सिमा के दौर में करीब करीब 1 से 2 साल रहता है और इस बार कुछ ज़्यादा रहने की संभावना है।